हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे से होंगे। हम लोग भी बहुत अच्छे से हैं। हैप्पी दिवाली। आज दिवाली है तो हम लोगों का तो सारा शॉपिंग हो गया था, बस कुछ कपड़े खरीदने बाकी रह गए थे। तो मेरे हस्बैंड के लिए और रूही के लिए कुछ कपड़े खरीदने थे। तो बेलीव्यू में एक इंडियन साड़ी और ड्रेस स्टोर है, तो वहाँ पर हम लोग जा रहे हैं आज। तो वहाँ पे एक कुर्ता ख़रीदेंगे और रूही के लिए एक लहंगा ख़रीदेंगे, तो वही देखने जा रहे हैं। तो ये हम आ गए हैं ये इंडियन एथनिक स्टोर। यहाँ पे देखिए बहुत सारे इंडियन एथनिक ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं। यहाँ पे हर तरह के इंडियन ड्रेसेस मिलते हैं। देखिए ये लड़कों के लिए कुर्ता है, इधर साड़ी है और सलवार है, लहंगा है, बच्चों के लिए फ्रॉक्स हैं, लहंगा है, बहुत सारे हैं, ज्वेलरीज भी हैं। तो यहाँ पे मैं रूही के लिए लहंगा देख रही हूँ और हस्बैंड भी अपना कुर्ता देख रहे हैं। तो यहाँ पे अभी हमारा शॉपिंग हो गया, तो अभी सब शॉपिंग ख़त्म करके अभी हम लोग घर के लिए निकल रहे हैं। फ्रेंड्स, हम लोग शॉपिंग करके आ गए हैं। सोचा कि इस बार दिवाली में कुछ ट्रेडिशनल पहनेंगे, तो रूही के पास तो कोई लहंगा नहीं था, तो इसलिए उसके लिए नया लहंगा लिया और हस्बैंड ने अपने लिए एक कुर्ता लिया। मेरे पास साड़ी है तो मैंने नहीं लिया, मैंने छोड़ दिया, तो आप लोग को दिखाती हूँ। हस्बैंड ने अपने लिए ये वाला कुर्ता लिया। इसका प्राइस $69 है, $70। और उसमें एक कुर्ता है और एक वाइट कलर का पजामा है। और रूही के लिए ये वाला लहंगा लिया, ये लहंगा पड़ा $80 का। ये इसमें एक ये लहंगा है और इसमें येलो कलर का चोली है और ये इसमें उसका एक छोटा सा दुपट्टा दिया हुआ है। तो बस ये बस ड्रेस लेने के लिए गए थे, गए जल्दी जल्दी बस ड्रेस लिए और आ गए। और घर का साफ़ सफाई तो सब हो गया था, सारा साफ़ सफाई मैं कर दी थी कल। अभी बस दिया लगाने से पहले थोड़ा सा बस वैक्यूम मार दूंगी थोड़ा सा एक बार, और उसके बाद हम लोग पूजा करेंगे। तो अभी शाम होने से पहले एक बार मैं पूरे घर को अच्छे से वैक्यूम कर लूँगी, तो फिर उसके बाद शाम को सारे दिया लगाएंगे और पूजा करेंगे। तो साफ़ सफाई करके आने के बाद अभी आ गई हूँ मैं सबसे पहले रूही को तैयार करने के लिए। रूही को तैयार करूँगी, फिर उसके बाद मैं तैयार होंगी। रूही यहाँ पे तैयार हो गई है नए कपड़े पहनकर, अपना नया लहंगा पहनकर। अभी मैं जा रही हूँ तैयार होने के लिए। तो अभी मैं यहाँ पे सारे दियों में बाती लगा रही हूँ, तो अभी सारे घर में हम अभी दिया और कैंडल लगाएंगे। अभी हम लोग आ गए हैं यहाँ पे लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करने के लिए और आरती करने के लिए। तो हमारा पूजा हो गया। पूजा करने के बाद फिर उसके बाद मैंने ये साड़ी वाड़ी चेंज कर लिया, ये बस नया टी शर्ट पहन लिया। तो फिर उसके बाद अभी मैंने तरुआ वगैरह बनाया है, हर साल दिवाली पे तरुआ बनता है हमारे यहाँ, तो अभी मैंने तरुआ बनाया है। तो ये देखिए ये होता है, ये इसमें मैंने ये आलू का बनाया है और भिंडी का बनाया है और ये लौकी का बनाया है। तो मुझे लेट हो रहा था जल्दी जल्दी में, तो इसका मैं आप लोगों को रेसिपी नहीं बता पाई कैसे बताते हैं। मैं कभी किसी अगले ब्लॉग में मैं आप लोगों को इसका रेसिपी बना देती हूँ। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि हमने कैसे क्या डेकोरेशन किया है दिवाली पे। तो आइए दिखाती हूँ। तो सबसे पहले ये दिखाती हूँ, मेन डोर पर मैंने ये लाइटिंग्स लगाई हैं और यहाँ पर ये कैंडल्स लगाया हुआ है और ये भगवान के मंदिर में भी हमने ये लाइटिंग्स लगाया है।
पास हमने ये दिया लगाया है। बालकनी की ओर दिखाती हूँ, ये बालकनी में भी हमने यहाँ पे ये लाइटिंग्स लगाया है पूरा, और बालकनी के विंडो के पास पे भी यहाँ पे ये लाइटिंग्स लगाए हैं। तो बस यही हल्का फुल्का डेकोरेशन किया है हम लोगों ने, तो हमारी दिवाली तो आज की बहुत अच्छी रही। तो आप लोगों ने दिवाली कैसे मनाया मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आज का मेरा ये ब्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, हैप्पी दिवाली।